हो गया हो, वो लाइन में आने से पहले अपने हाथ, अपने पास एक कागज ले लो और कागज में गुरुजी के साथ आने के लिए मेरे को ये अड़चने हैं, मेरा पति अड़चन है, मेरे माता पिता अड़चन है, मेरी नौकरी अड़चन है, जो भी आपका कष्ट है वो कागज पे लिख लो और इस मंत्र के साथ अग्निकुंड में ले जाकर डाल दो, आपके वो कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी असमर्थता के साथ जो भी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरे पत्नी के बारे में प्रेम है, वो पत्नी के प्रेम में ले जाओ और डाल दे तो पत्नी का प्रेम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। पत्नी अड़चन ना हो, मेरे कार्य में पत्नी भी सहकार्य करे, पुत्र भी सहकार्य करे, मैं इस कार्य को करने के लिए गुरु जी के साथ जाने के लिए एक कागज पर आपको जो दिक्कत है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, या मैं बीमार हूँ, या मैं वहाँ तक नहीं चल सकता, वहाँ नहीं आ सकता, ऐसी जो कोई भी है उसको कागज पर लिख दो जो आपके अड़चन अनुभव करते हैं कि गुरु के साथ आने के लिए, और उस कागज को इसी मंत्र के साथ एक निकुंड में डाल दो, आपकी अड़चन दूर हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास गुरु गुटिका के साथ दीक्षा लेने के लिए आ जाओ। पेपर पर आपकी अड़चन लिख दो, पेपर एक अलग पेपर ले लो और आपकी अड़चन लिख दो कि आपको मेरे साथ आने में क्या दिक्कत है, पैसा कम है, पति पत्नी को पैसा नहीं सकते, बिना नौकरी कैसे मैं नहीं सकता, मेरी बीवी को देखना है, संसार को देखना है, माता पिता को देखना है, बीमार हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो उस अड़चन पीली नहीं होती तो वहाँ धन नहीं है। इसका एक उदाहरण था, कल मैंने वो साधना दी, आज मैं गुरु साधना वो सामर्थ्यवान साधना दे रहा हूँ जिसके साथ आप गुरु के साथ आ जा सकें, गुरु के साथ रह सकें। आपके जीवन में जो भी अड़चन है लिखते हुए वो कागज को पकड़ कर मेरे पास आओ, दीक्षा देने के बाद उस कागज को एकने कुंड में डाल दो और जला दो कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें खत्म हो जाएं। आप और बहुत लोगों ने किया कि मैंने सवाल आप नहीं किया तो आपको बचा वो गुरुगुटी का आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए सिद्धाश्रम जाए मेरे साथ आने के लिए, कोई अड़चन ना आए और गुरु कार्य के लिए आप श्रेष्ठ सामर्थ्यवान जीवन जिए, इसलिए दिया हूँ, ये बात को याद रखना। इस गुरुगुटिका को आप गुरु कार्य के लिए निकलते समय किसी भी प्रकार का कष्ट आपको न पहुंचे, इसके लिए एक गुरुगुटिका दी गई है। इसको 11 दिन के पांच माला के प्रमाण में साधना आप संपन्न करते हैं तो आप उस श्रेष्ठ को अनुभव कर सकते हैं। आप इसके बाद मैं आपको चाहता हूं कि आज गुरु जन्म दिवस है, हम गुरु जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु जी का जन्मदिवस अंग्रेजी प्रथा में केक कट करके पहले करेंगे, उसके बाद आरती संपन्न होगी और आरती के बाद मैं इस 21 अप्रैल को उन गृहस्थों को, वो सारे लोगों को जो लोग इस संसार में कभी भी एक बार के लिए, क्योंकि आज चैत्र मास की दशमी है, कृष्ण पक्ष की दशमी है और आज कहते हैं कि काल अपने अपने प्रमाण को लेकर बैठा हुआ है और कल के एकादशी को कामदा एकादशी कहा गया है, जो भी कामना हो उसकी पूर्ण करने के लिए कामदा एकादशी कहा गया है। आपके जीवन में कामनाएं कब पूर्ण नहीं होती, चाहे कितनी भी साधना करें या कुछ भी करें, तो वह या तो पितरों के शापों के साथ या नवग्रहों के, नवग्रह अनुकूल कब नहीं होते, देवताओं का शाप अपने ऊपर हो, पितरों का शाप अपने ऊपर हो, या अपने बहन का शाप अपने ऊपर हो, या अपने स्नेह दोस्त का, अपने दोस्त को अगर धोखा देते हैं तो उसका शाप अपने ऊपर हो, तो इन कारणों की वजह से अपने घर में कार्य नहीं होते और हम सुखानुभव नहीं करते। अपने माता पिता हो, अपने सास ससुर हो जो अपने से बड़े हैं, या अपने गुरु को द्रोह कभी अपने से जानकर या न जानकर अपने गुरु द्रोह किया हो, या गुरु के विषय में अग्निस्ट में बात किया हो, अपना काम न होने से किया हो, ऐसे समय में हम किस साधना से हम बाहर आ सकते हैं, ये केवल गृहस्थों के लिए है। केवल गृहस्थ ये कि आज 21 अप्रैल के दिन बहुत सारे लोगों में साधनाएं करने पर भी सफलताएं नहीं मिलती, जाने की बहुत इच्छा होती है, आज आपने गुरुगुटिका ली, बहुत आनंद के साथ उत्साह के साथ आपने बताया कि गुरुगुटिका ली है, लेकिन मुझे पता है कि कितने लोग मेरे साथ आने वाले हैं, आने के बाद भी हाफ में रिटर्न होने वाले कितने लोग हैं वो भी पता है, आधे में जाने के बाद वापस आने वाले भी कितने लोग हैं वो भी पता है। तो ये गुरुगुटी का लेना या उसकी साधना करना ही श्रेष्ठता नहीं है, क्योंकि आपकी जीवन की न्यूनताएं मैं जानता हूँ, आपके जीवन में इतनी न्यूनता है, भूख लगी तो आप एक मिनट भी नहीं रह सकते, अगर मैं जंगल में चलता रहा हूँ भूख लगी तो आप नीचे गिर जाएंगे दो मिनट में, मुझे आपको उठा के चलना पड़ेगा, और नींद के लिए नहीं, अगर एक दिन चलेंगे और एक दिन अगर मैं रात में चला गया तो तीन दिन सो जाएंगे, गुरु जी अब चलना नहीं होता आप, मैं तीन दिन तो सोने ही वाला हूँ, अगर इस तरह तो हम सिद्धार्थ में पहुंच नहीं सकते। तो यह जो बलहीनता है,
यह जो हमारे मेडिसिन है, आधे में जाकर वापस आने का तरीका है, चलते चलते रुक जाने का तरीका है, ये क्यों हो रहे हैं? हमारे में ये होने का कारण क्या है? हम कोई भी देवता कार्य, बहुत सभी लोगों को अपनी इच्छा है कि गुरु कार्य करें, गुरु कार्य करने के लिए मैं बहुत सक्षम हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन आप इतनी अच्छी विचार रखते हुए भी गुरु कार्य नहीं होते। हमारे बाप देव वाले हैं, एक साल से बंबे कलश नहीं बैठ रहा है, क्या बात है? कलश नहीं बैठ रहा है, खाना खाने में कोई कमी है क्या? नहीं है। नींद लेने में कोई कमी है क्या? नहीं है। बेटी की शादी करने में कोई कमी है क्या? नहीं है। लेकिन कलश नहीं बैठता, कलश तो गुरु ही आगे बैठा है। आप ये बताओ, कलश बैठने के लिए कितना खर्च होगा? 10,000। 10,000 एक एक रुपया डाले तो बाप देव के पूरे 10,000 हो जाते हैं, लेकिन कलश नहीं बैठ रहा। तो हमारी एक गुरु कार्य में ये अड़चन है, एक तरह का अड़चन है, हम इसे पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे में इच्छा होने पर भी हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्या कारण? अन्नदान करने की इच्छा है, शिविर करने की इच्छा है, कभी कभी अपने को नहीं होता। सब शिविर के लिए पैसा है, अनुकूल है, सब है, लेकिन पास वाले है कहते हैं कि अगर वो शिविर करता है तो मैं नहीं आऊँगा। अरे क्या बात है, वो भी गुरु भाई है, ये भी गुरु भाई, लेकिन वो कंडीशन लगाता है, मैं गुरु जी मैं शिविर करूँगा, वो शिविर में नहीं आने का, या वो शिविर करता है तो मैं नहीं आऊँगा। अब गुरु क्या करें? बेटा बेटा ही है, बेटा बेटी दोनों भी तो गुरु के लिए शिष्य ही। और वो शिविर आज 5 साल से शिविर चल रहे थे, एकदम बंद हो गए, क्या कारण हुआ? दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, कुरुक्षेत्र चल रहा है। अब कृष्ण क्या करें? उन दोनों को मिलाएं, उस युद्ध को करें, उस युद्ध को युद्ध में जाकर रायबार करें, क्या करें? उसको एम्बेसडर बन के जाए, दोनों को समझाएं। फिर ये दुर्योधन है तो मानेगा नहीं, युद्ध के लिए तैयार है वो, शिविर तो नहीं होगा। इस तरह हम हमारा जीवन गुजारें। हमारे जीवन में यह अड़चने हर बार निर्माण होते हुए आ रहे हैं और हर बार निर्माण होते चल रहे हैं। बहुत बार एक बात कहने गई मुझे, पहले जब ये कार्य हो रहा था, निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हो रही थी, बहुत लोगों ने सजेशन दिया, गुरु जी ऐसा करो, ये प्लाट करो, मैं बेच के देता हूँ आपको और उस पैसे से निखिल चेतना केंद्र चलेगा। दूसरे ने कहा खेत में कोई खेती है, फल वगैरह लगा, उसको बेच कर हम करेंगे। गुरु जी गाय लगाओ, डेयरी फार्म चला के दूध बेच के हम आश्रम चलाएंगे। मैं बोला तुम सब लोग सजेशन देने वाले हो, कल डेयरी में दूध का 45 लीटर का 40 लीटर हो गया तो गुरु जी 5 लीटर आप खा गए बोलेंगे, इसलिए उस किरकिरी ही नको, हमें आना ही नहीं। मैं पत्ते खाकर जीऊंगा लेकिन किसी को इसमें पार्टनर नहीं बनाऊंगा। गुरु कार्य में पार्टनर बनाया है तो काम खत्म, समझो ये गुरु कार्य ही नहीं होगा। गुरु कार्य में कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, करूंगा तो अपने एक टेबल पर धीमा धीमा एक एक झोपड़ी बनाते हुए क्यों नहीं गुजरा 17 साल में, झोपड़ी बना के आज आगे बढ़ा हूं, लेकिन किसी को पार्टनर नहीं बनाया। पार्टनर है तो वही है और मालक है तो भी वही है। यहाँ सब लोग पूछते हैं कि यहाँ इस निखिल चेतना केंद्र ट्रस्ट में कौन कौन है? एक वो बड़े आदमी बैठे हुए हैं, कार्य के लिए हम सेवक के रूप में झाड़ू मार रहे हैं, हम उतने ही हैं। अनिल कुमार जोशी का कहीं नाम नहीं लिखेंगे आप कहीं यहाँ भी, कि ये आश्रम अनिल कुमार जोशी का है, ये आश्रम है स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का, और इसी तरह चलना चाहिए और आखिरी गंतव्य यही कार्य करना चाहिए। हर शिविर में, हर कार्य में, जब तक हमारे में ये पूर्ण समर्पण भाव नहीं होता तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। किसी प्रकार की मुझे बहुत से हमारा सुधीर भी सजेशन देता है कभी कभी कि आप गुरु जी सरदर्दी कर रहे, पागल लोगों को लेकर सब यहाँ आश्रम में कर, मेरे को ढूंढना पड़ता। अरे तेरे को क्यों ढूंढना पड़ता? बड़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है, तेरे को क्या करने का है? तू तेरा काम कर ले। अभी कोई ध्वज के बारे में काम करता है, कोई अपने अपने सजेशन देने लगते हैं। मुझे ही अब मैं गुरु जी के सामने जाकर सर फोड़ लेता हूँ, गुरु जी सजेशन देने वाले ज़्यादा हो गए मेरे को, कार्य करने वाले कम हो गए। रोज हर एक आदमी अपनी अपनी तरफ से सजेशन फेंक देता, गुरु ऐसा करो आप सोलर का प्लांट लगाओ। प्लांट लगाने पैसे तो चाहिए, फिर किसको मांगते हो? क्या करना चाहिए? अन्नदान करना है, किसको मांगते हो? किसको मांगो? सजेशन देने के लिए तो है इस संसार में, अपने अपने पास देखा है इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक सजेशन देने वाले, दूसरे सजेशन लेने वाले, तीसरे सजेशन को कभी कर नहीं करने वाले। लेते हैं जरूर, आप बहुत अच्छा सजेशन दिया, कोई सजेशन को नहीं करता। इस प्रकार ये जो हमारे में चल रहा है, ये जो क्रिया चल रही है, इसके लिए मालक बैठा हुआ है वहाँ, वो अपना काम करते चले जा रहा है, उसको पता है किसको क्या करना है, किसके सर पे मारना है, किसके सर से आगे करना है, अपने करना है। तुम्हें जो भी बोलना है वहाँ बोलो और सर झुका कर नमस्कार करो, वो अपना कार्य करेंगे। उनको किस तरह करना है? आज आश्रम टिका हुआ है, बिना गेट के टिका हुआ है। आपके घर पर ताला तो होता है, इतने इस घर में ताला बिला कुछ नहीं है ना, गेट नहीं आई, गेट भी परसों परसों लगाए, इसलिए कि फल और फल खाने के लिए सुअर अंदर नहीं आ रहे थे, सुअर नहीं अंदर आने के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। यहाँ जो फल झाड़ लगाए हुए हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए गेट लगाया है, गेट मनुष्यों के लिए नहीं लगाया गया।
और यह कारण होने के कारण ये आपको यहाँ इतनी स्वतंत्रता दी, इतना स्वतंत्रता से चल रहा है, फिर भी हमारा हम जहाँ है वहाँ है। भारत स्वतंत्र चाहिए, हम निखिल चेतना के अंदर सच्चा स्वतंत्रता तो यहाँ है। आप कभी किसी को भी पूछ लो, यहाँ किसी को बाहर जाने के लिए रोका नहीं जाता, अंदर आने के लिए रोका नहीं जाता, खाने के लिए रोका नहीं जाता, सोने के लिए रोका नहीं जाता, साधना करने के लिए भी रोका नहीं जाता। साधना करे क्या भी पूछने वाला कोई नहीं है। आप सो गए तो क्यों सो गए पूछने वाला नहीं है। इसकी बड़ी स्वतंत्रता को किसी भारत में नहीं मिलेगी, ना स्वतंत्र भारत में मिल सकती है। आप सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है, आपके जीवन में कुछ भी कष्ट हो, उस कष्टों के निवारण के लिए गुरु ने भौतिक साधनाएं सफलताएं नामक पुस्तक दी है, आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें है। फिर भी मैं शिविर में नए नए आपके प्रश्न, नए नई समस्याएं आपके देखता हूं। कभी कहता है कि गुरुजी मेरा पति बहुत अच्छा है लेकिन पी के आता है, अब मैं क्या करूं, उसके पीना बंद कर दूं, पीने के लिए मैं जाऊं कैसे करूं। उसके उनका उनके कहने का तरीका होता है कि गुरुजी मेरा पति बहुत अच्छा है लेकिन पी के आता है, क्या करना चाहिए, गुरु का कार्य क्या बनता है। और कहता है गुरुजी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है लेकिन टीवी बहुत देखती है, मैं क्या करूं। वो तेरी पत्नी टीवी देखती है तो मैं क्या करूं। दूसरा कहता है मैं गुरुजी मैं ये सब कार्य कर रहा हूं लेकिन मैं आगे जाता हूं तो मेरे को साधना करने नहीं देती, बस गुरुजी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, साधना नहीं करूं। मैं क्या करूं, तेरी पत्नी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो साधना के लिए मैं आके तेरी पत्नी को बोलूं कि साधना करने दे, क्यों नहीं करने देती, तो पूछने का कार्य नहीं है तेरा। नहीं, ये ऐसी समस्या है मेरे पास, सबसे बड़ी समस्या ये है। गुरुजी शादी करने के लिए 10 लड़कियों को देखा हूं, मैंने 3 को पसंद किया था वो मेरे को पसंद नहीं करे, और जिसको मैं पसंद किया वो मेरे को पसंद नहीं करती। गुरु क्या करना चाहिए, लड़कियों के बीच में झुकाना चाहिए इसको पसंद करने के लिए। किस स्थिति में गुजर रहा हूं मैं गुरु बनकर, या कोई अध्यात्म नहीं पूछता तुम्हारे को, ये पूछने के लिए आते हैं मेरे पास। और ये पूछने के लिए जब उनका काम नहीं होता वो नाराज हो जाते हैं कि गुरु जी ने हमारा काम नहीं किया। अब इस स्थिति में गुरु क्या करना चाहिए, आप एक बार बोलिए। मैं रहा गुरुजी के कार्य करने के लिए, मेरे आश्रम के लोग खाना खाए नहीं खाए, उनको सीधा साधना हो रही है नहीं हो रही है, शिविर कैसे करूं, कौन सा कौन सी शिविर के लिए क्या जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं ये सोचता हूं और ये समस्याएं लेकर ये मेरे पास आती हैं, और मैं इन समस्याओं से इनको जूझने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, कभी जीवन में अपने को अपने पितृदोष हो गए, या अपने ऋषि का श्राप हो गया, अपने बड़ों का श्राप, जैसे सास ससुर का हो, बड़े बहन का, बड़े भाई का, या फिर और खेत के बारे में अपने कभी अपने पिता को द्रोह किया हो, माता का द्रोह किया हो, गुरु का द्रोह किया हो, ऐसे समय ये क्यों होते हैं कि जब शनि अपना काम करते रहता है वो देवताओं से झगड़ा लगा देता है और देवताओं का श्रापग्रस्त बना रहता है, या बड़े लोगों से या झगड़ा लगा देता है उनके श्रापग्रस्त हो जाते हैं। आजकल नौकरियों का जाना तो कॉमन हो गया है, 2 दिन 1 लाख रुपए कमाता है, 2 महीने 3रे महीने में हाथ में भिखारी हो जाता है, तो ऐसी ही नौकरियां हैं आजकल। तो ये सारी चीजें कैसे हो, क्यों हो रहे हैं ऐसा। पहले लक्ष्मी में स्थिरता थी, आज लक्ष्मी में स्थिरता क्यों नहीं है, क्या हुआ, किस लिए हो रहा है ऐसा। तो हम अगर इस बारे में जाने तो हमारे पृथ्वी पर कौन से ग्रह इस प्रभाव के कारण बने। स्थिरता लक्ष्मी हमारे भारत में स्थिरता नहीं है इसके कारण। इससे पहले जो 1954 जब से स्वतंत्रता हुई, कम से कम 1990 से लेकर 2000 तक परमानेंट नौकरियां थी, किसी को निकाला नहीं जाता था, लेकिन जैसे 2000 पार हुआ नौकरियों में निकालना शुरू हो गया। इसका कारण क्या हुआ, पृथ्वी पर भारत पर कौन सा ग्रह ऐसा आया जिसके कारण ये सारी चीजें होने की उसमें अस्थिरता आ गई, नौकरियों से निकाल देना, नौकरियों पर नहीं रहने का, अब पैसा कमाने में अड़चने आने का। एक आदमी मैं ऐसे भी बताता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो कम से कम 3 पीढ़ियों से किराना चला रहे, किराना का दुकान चला रहे और मस्त के साथ अपना जीवन जी रहे, अपने व्यापार को 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से चला रहे और अच्छा रहे, और आजकल आज व्यापार लगाते हैं दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन नए व्यापार के लिए आते हैं। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारी पीढ़ियों का कार्य ये नहीं, जो पहले पीढ़ियों का कार्य चलता था तो चलता था, आज क्यों नहीं चल रहा है। तो यह हमारे पास 3 ग्रह हमारी पृथ्वी पर अब बहुत प्रभावशाली काम कर रहे हैं, वो है राहु केतु और मंगल, शनि से भी ज़्यादा प्रभाव, ये अस्थिरता प्रदान करते हैं, हमारे चित्त को एक जगह नहीं रहने देते। और जब ये अस्थिरता प्रदान करते हैं तो हम कौन सा भी काम स्थिर वाला नहीं करते। हमारे को 1 लाख रुपए देने वाला मिल गया कोई नौकरी को तो हम 50,000 की नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि वो जो 1 लाख देने वाला है वो 2 महीने रखने वाला है और 50,000 वाला 1 साल रखेगा। हमारे को 1 लाख मिल रहे हैं हम उस नौकरी के लिए जाते हैं। हम इस अस्थिरता को केवल इस अस्थिरता को कारण मंगल की चंचलता है,
और राहु केतु आदमी को देवता कार्यों से अच्छे कार्य करने से फटका देते हैं, वो अच्छा कार्य करने ही नहीं देते। आप कभी मंदिर बांधने की इच्छा करते हैं, कब करते हैं कि अपने पास पैसा आए तो मैं मंदिर बांधूंगा, और पैसा बांधने पैसा कमाने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं उसको तो वो आशा बना देता है, अरे तू यहाँ जा तेरे को धन मिल जाएगा, तो बस तू मंदिर बांध दे, बहुत बड़ा मंदिर बांध सकता है। अब वो धन के चक्कर में घूमते रहता है, घूमते घूमते अपना धन गंवा लेता है, बाद में उसको पता चलता है कि ना वो धन मिला, ना ऐसे धन चलेगा, ना मंदिर बना, ना अपना बने, क्या कारण हुआ? राहु का काम है फटका देना, आदमी को फटका देकर चलता है। हम इस तरह से पीड़ित होकर अपने को लगता है कि एक व्यापार चलने से पहले बहुत उसमें लाभ बता देते हैं कि ये व्यापार अगर चला ना आप करोड़ों रुपए करोड़पति बन जाएंगे, आपको अच्छा चलेगा, लेकिन जब व्यापार में घुस के देखते हैं करोड़पति क्या रोडपति बन जाते हैं, रोड पे आ जाने की क्रिया होती है। क्या कारण है ऐसा हो रहा है? बताने की क्रिया एक है और होने की क्रिया एक है, इसके पीछे जो कार्य चल रहा है, हमारी मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही। मंगल और राहु केतु का इस पृथ्वी पर ऐसा प्रभाव है कि वो अस्थिर है, किसी भी चीज में आप स्थिरता से नहीं रह सकते। कोई मिनिस्टर स्थिर नहीं है, कोई राजा स्थिर नहीं है, कोई नौकरी स्थिर नहीं है। आप भारत में आज कम से कम 100 टकों में से 90 टक के लोग आप ऐसे देखेंगे जो अस्थिर है, कभी स्थिरता के साथ नहीं कहेंगे। आजकल घर भी अस्थिर हो गया, और कहो तो पत्नी भी अस्थिर हो गई है, पति भी अस्थिर हो गया, कितने दिन रहेंगे, कब डायरेक्टर का पता नहीं। इस प्रकार का संसार चल रहा है हमारा, तो स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या है और किस तरह का चलना चाहिए। पिता पुत्र का संबंध हो, पत्नी पति का संबंध हो, और पुत्र गुरु शिष्य का संबंध हो, अस्थिरता। 2 दिन गुरु के साथ रहेंगे, 3रे दिन कोई दूसरा गुरु मिल गया उसके साथ चले जाएंगे। आज कोई देवता अच्छा लगा, इस देवता की आराधना करके कोई दूसरा आके कहेगा कि भाई तुम क्रिश्चियन हो जाओ, तुम्हारा तो बस 12 बजे तो पैसा ही पैसा है, और क्रिश्चियन बन जाता 10 दिन रहता फिर 12वें दिन रह जाता, पैसा खर्च हो जाता। ये अस्थिरता चल रही है हमारे जीवन में, और इस अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए कि नवग्रहों को अनुकूल करना चाहिए। नवग्रह आपके अनुकूल हो, ये नवग्रहों को अनुकूल करने वाले में पहला नाम लिया जाता है रावण ब्रह्म का। रावण के पास एक बार भगवान शिवजी गए थे, और शिवजी की तपस्या होने के बाद रावण ने पूछा कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का मैं ब्राह्मण हूँ, और महालक्ष्मी का श्राप है कि ब्राह्मण दरिद्र होते हैं, लेकिन मैं दरिद्र जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु शिव जी ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मैं जीवन भर बस इतना पैसा इतना सब कुछ लेके रहूं कि ऐश्वर्यवान बन के रहूं। तो शिव जी ने कहा इसके लिए तुझे एक ही बात करना है, तेरे कुंडली में जो ग्रह है उन नवग्रहों को अनुकूल स्थान में रख दे, तेरे को कभी ऐसी चंचलता नहीं आएगी। रावण ने पहले नवग्रहों को लिया और रास्ते पे लग गया, मेरे 11वें स्थान में शनि तू यहाँ बैठ जा, गुरु तू यहाँ 12वें स्थान में बैठ जा, अपने अनुकूल बना के शनि को बैठ जा, और हिला तो तेरे तो खैर नहीं, तो बोल दिया।